फंडामेंटल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। आज हम बात करने वाले हैं रिमेनिंग इनपुट डिवाइसेस। हमने प्रीवियस वीडियो में जो बेसिक इनपुट डिवाइस था, दैट इज एन कीबोर्ड एंड माउस, उसके बारे में तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ही दिया था, लेकिन जो रिमेनिंग बेसिक जो इनपुट डिवाइस है, कहीं आपने उसका नाम सुना होगा या फिर कहीं आपने देखा होगा, उसके बारे में थोड़ी सी ग्लिम्स हम कवर अप कर लेते हैं, मतलब उसे कैसा होता है, क्या वेरिएशन आते हैं वो कवर करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ मोहम्मद बारमल और आपको क्या करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब विद बेल आइकॉन करना है, जो आपको बाकी के वीडियोस के नोटिफिकेशन देने में मदद रूप होगा। यहाँ पे सबसे पहले दिया है ट्रैक बोर्ड, जैसे कि यहाँ पे छोटी सी इमेज दी हुई है। तो पुराना हमने एक माउस डिस्कस किया था जिसमें एक बॉल आता था नीचे, क्रेजी बॉल, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था पुराने मैकेनिकल माउस में, जो इंफ्रारेड सेंसर की बेस से हमारे माउस की जो एक्सिस थी वो डिटेक्ट करते थे। लेकिन सेम वे वो ही जो बॉल था वो माउस के ऊपर आता है, नीचे नहीं, ऊपर आता है। अब इसमें क्या होता है, माउस को पूरा मूव नहीं करना होता। जनरली हम ऑप्टिकल माउस जो भी यूज़ करते हैं, या फिर पुराना जो बॉल वाला, जो ट्रैकिंग बॉल वाला जो पुराना माउस था, उसमें क्या करता था, हम हाथ से पूरे माउस को मूव करते थे। अब इसमें ये नहीं करना है, जो ऊपर बॉल दिया है उस पर हमें थंब या फिर फिंगर को रोटेट करना है। जिस डायरेक्शन में हमारा थंब या फिर जिस डायरेक्शन में हमारी जो कुछ भी फिंगर या फिर पाम मूव होगा, उस डायरेक्शन में हमारा माउस का जो कर्सर होगा हमारे सिस्टम में हमें मूव हुआ दिखेगा। माउस को वही के वही रखना है, माउस को पूरा आपको मूव नहीं करना है। इसे आप कह सकते हैं राल्फ बेंजियम 1946 में डेवलप किया था। इन अ कंप्यूटर ट्रैकिंग बॉल इट इज़ अ इनपुट डिवाइस। इट कंसिस्ट ऑफ अ बॉल हैंडेड बाय एन सॉकेट कंटेनिंग अ सेंसर टू डिटेक्ट अ रोटेशन ऑफ द बॉल अबाउट टू एक्सिस, मतलब कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों इसमें कवर अप हो जाती है। इट इज़ लाइक एन अपसाइड डाउन माउस विथ अ बॉल दैट स्टिक्स आउट, मतलब कि पुराने माउस में क्या था, वो बॉल अंदर रहता था, बाहर नहीं दिखता था, छोटा सा एक एरिया था माउस का जो पुराने में माउस में वो पहले बाहर दिखता था, लेकिन इसमें क्या है, पूरा जो बॉल होता है वो माउस के बाहर आपको दिखता है। द यूज़र रोल्स द बॉल विथ अ थंब फिंगर और अ पाम, आप अपने थंब से करो, आप फिंगर से करो या फिर पाम से करो, मतलब जो हाथ के बीच का जो एरिया होता है उस पर करो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जिस डायरेक्शन में आपका जो माउस का जो बॉल होगा रोटेट होगा, उसी डायरेक्शन में आपका माउस का कर्सर आपको मूव होता दिखेगा। करंटली ओनली 3 मेजर कंपनीज, लॉजिटेक, एफोटेक एंड किंगस्टन मैक्स मेन्यू ऑफ देम, मतलब कि इन तीनों के अलावा यहाँ पे, तो किंगस्टन के अलावा और माइक्रोसॉफ्ट भी है यहाँ पे आज की डेट में, काफ़ी सारे वो ट्रैक बोर्ड डेवलप करता है। ये तीन के अलावा ये फोर्थ कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। ट्रैक बॉल्स आर समटाइम्स सीन ऑन द कंप्यूटराइज स्पेशल पर्पस वर्क स्टेशन सच एज रडार, एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम, सोनार इक्विपमेंट्स, शिप एंड सबमरीन्स। आपने काफ़ी सारी मूवीज़ में जैसे कि आर्मी के जो वॉर रूम वो लोग जो दिखाते हैं, जहाँ से पूरी LED पैनल होती है और सभी की काफ़ी सारी स्क्रीन्स पे बंदे ऑपरेटिंग करते हैं, तो वहाँ पे कहीं आपको उसका वो जो ट्रैक बॉल होता है ना वो दिखता है, वो माउस से स्क्रीन को मूव करते हैं या फिर जो अपनी सिस्टम होते हैं ना वो ऑपरेट करते हैं। हॉलीवुड के मूवीज़ में काफ़ी सारी ये चीज़ दिखाते हैं, मतलब कि क्या कि वो ट्रैक बॉल जो होता है ना वो आप समझ लो एक बॉक्स होता है, बॉक्स पे पूरा एक बॉल ही ऊपर होता है और कुछ नहीं होता, जो सिर्फ कर्सर या फिर स्क्रीन मूवमेंट या फिर नेक्स्ट प्रीवियस पेज के लिए ही इस्तेमाल जनरली किया जाता है। ठीक है, हमारे में जो नॉर्मली जो बॉल्स आते हैं ये वाले माउस में, इसमें क्या होता है, क्लिक्स भी अवेलेबल होती है इसमें, उसमें जो कुछ भी होता है सबमरीन में, ये जो डायरेक्शन ही दिखाने का होता है ना उसमें, तो सबमरीन में मतलब कि आगे जाना है, पीछे जाना है, लेफ्ट रोटेट करना है, राइट रोटेट करना है, अप डाउन का जो होता है वो तो आपने मूवी में देखा ही होता है। ठीक है, उसका पूरा एक इंजन आता है, इंजन पानी को ऊपर से नीचे लेता है या फिर नीचे से ऊपर पानी को देता है, उस मुताबिक हमारी जो सबमरीन होती है पूरी ऑपरेट होती है। नेक्स्ट में आता है ये फिर जॉयस्टिक। काफ़ी सारों का जो चाइल्डहुड होगा वो जॉयस्टिक में ख़त्म हुआ होगा, जैसे कि मेरा स्पेशली वो पुरानी गेम्स आती थी टीवी में जिसमें रोम मॉड्यूल्स, हमने काफ़ी टाइम पहले जो मेमोरी कवर अप की थी टाइप्स ऑफ मेमोरी, उसमें प्राइमरी मेमोरी में एक रोम था, रीड ओनली मेमोरी, जो वो एक छोटी सी चिप आती थी, वो चिप एक बॉक्स में हमें रिप्लेस करनी होती थी, मतलब कि मारियो अगर खेलनी है तो ये चिप लगाओ जिसमें मारियो के सभी वर्जन्स आते,
अब मान लो कुछ कार रेसिंग गेम या फिर बाइक रेसिंग गेम निकलनी है तो वो मारियो की चिप निकाल दो और वो रेसिंग गेम की चिप डाल दो, तो सभी आपको रेसिंग गेम रिलेटेड आपके जो लिस्ट होगा वो टीवी में ओपन होगा। तो वो थी ना, वो रोम थी, रीड ओनली मेमोरी। उसमें जो जॉयस्टिक आता था नीचे, यहाँ पे फिगर में दिया, ये तो नया वाला है लेकिन ऐसा ही कुछ जॉयस्टिक आता था। तो बेसिकली जॉयस्टिक क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जो जनरली गेमिंग के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। जॉयस्टिक कंसिस्ट ऑफ अ बेज एंड स्टिक दैट कैन बी मूव्ड इन एनी डायरेक्शन। ये एक्चुअल में जो जो हैंडल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको किसी भी डायरेक्शन उसमें मूव करना है तो यहाँ पे मूव किया जाता है। और ये वाला जो आपको यहाँ पे दिख रहा है दैट इज एन ट्रिगर, ठीक है, ये डिफॉल्ट बटन होता है, ये आसानी से आप जिसे सबसे आसानी से ऑपरेट कर सकते हो। सम जॉयस्टिक हैव अ स्टिक दैट कैन बी रोटेट टू अ लेफ्ट और राइट बिकॉज ऑफ दिस फ्लेक्सिबल मूवमेंट जॉयस्टिक अलाउड इट कैन प्रोवाइड अ मच ग्रेटर कंट्रोल देन कीज ऑन कीबोर्ड। मतलब कि मान लो कि आप कोई भी गेम कर रहे हो, यहाँ पे एग्जांपल में भी दिया हुआ है, जैसे कि आप मान लो एयरक्राफ्ट की कोई भी गेम कर रहे हो जिसमें सडनली आपके बिल्डिंग सामने से आ रही है, तो आप कीबोर्ड या फिर माउस से इतनी क्विकली पूरी आपके जो एयरक्राफ्ट होती है उसे रोटेट नहीं कर सकते। जैसे कि आप टीवीज में देखते कि पूरा प्लेन 360 डिग्री पे रोटेट होके वो बीच में से निकल जाता है, ठीक है, वो हम माउस और कीबोर्ड से नहीं कर सकते। अगर ऐसा कुछ आपको करना है तो डेट इज ए बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, दैट इज ए जॉयस्टिक। जॉयस्टिक टिपिकली इंक्लूड सेवरल बटन्स एज वेल, वो जनरली कनेक्ट यूएसबी और सीरियल पोर्ट से कनेक्ट होती है। सीरियल पोर्ट तो जैसे कि मैंने कहा आज की डेट में कम्प्लीटली आउटडेटेड है, पुराने जो माउस थे और कीबोर्ड्स थे वो सीरियल टू में आते थे, अब कीबोर्ड्स है वो बाद में PS2 और माउस भी कुछ PS2 में अवेलेबल हुए, लेकिन वो आज की डेट में वो भी आउटडेटेड है। आज की डेट में सब कुछ जो एक्सटर्नल होता है, मतलब कि हमारे CPU के बाहर से जो हम अलग से अटैच करते हैं, कीबोर्ड हो या फिर माउस हो या फिर प्रिंटर हो स्कैनर हो, सब USB में ही हम अटैच करते हैं। वो मैंने ऑलरेडी केबल्स एंड पोर्ट्स के वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। तो यहाँ पे वो जॉयस्टिक होती है, वो USB कनेक्शन में आप आसानी से अपनी सिस्टम्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो। और उसका एक एडिशनली सॉफ्टवेयर आता है कुछ जॉयस्टिक का, हार्डवेयर ड्राइवर के लिए, वो आपको बाद में उसकी CD या फिर पेन ड्राइव में जो कुछ भी वो देते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट देते हैं, उसमें से डाउनलोड करके आपको उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ हमें ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, ये एयर फ्लाइंग गेम होती है, एक्शन गेम होती है, उसके लिए जनरली यूज़ किया जाता है। और कुछ बंदे इसे फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पुरानी वो डक की गेम आती थी ना, एक डक होता है इधर स्क्रीन में इधर उधर वो मूव होता है और हमें उस डक को गन से फायरिंग करना होता है, तो ये दैट इज ए काइंड ऑफ शूटिंग गेम, छोटी शूटिंग गेम होती है। मतलब कि ये पबजी में नहीं चलेगा इतना आसानी से, क्योंकि पबजी में तो काफ़ी सारे एक्शन मूवमेंट आपको दिखानी पड़ती है, ठीक है, आगे पीछे मूव करना है और सिर्फ फायरिंग करना है तो ये बात अलग है, लेकिन आपको कहीं सो जाना है, बैठना है, जंप करना है, तो सब सिंगल हैंड से ये आसानी से ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ अलग है, ये 200 जॉयस्टिक है, ये सिंगल हैंडेड जॉयस्टिक है। अगर ये अगर आप इस्तेमाल करो तो वो बात अलग है। मान लो ये मूवमेंट के लिए हुआ, ये स्कोप के लिए हुआ, ये फायरिंग के लिए हुआ, ये कुछ गन चेंज करने के लिए हुआ, या फिर ग्रेनाइड आता है, स्मोक का जो बॉम आता है उसके लिए आप इस्तेमाल करो। ये जो वाली जॉयस्टिक है सेकंड वाली, ये आप पबजी जैसे कुछ एक्शन गेम में भी यूज़ कर सकते हो। चलो नेक्स्ट में क्या है, लाइट पेन। शायद ही आपने ये देखा होगा लेकिन काफ़ी लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। उसमें एक फोटो सेल होता है, मतलब कि काइंड ऑफ लाइट होती है, जैसे कि आपने ऑप्टिकल माउस में जो नीचे आती है छोटी सी लाइट, जो हमारे सेंसर की तरह जो हमारा माउस किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है वो सेंस करती है। तो इन अ सेम वे यहाँ पे एक फोटो सेल होता है, आपको स्क्रीन पे उसे थोड़ा सा टच करवाना है, तो जैसे ही आप स्क्रीन पे उसे टच करवाओगे तो जो स्क्रीन एरिया होगा वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके कहाँ पे एग्जैक्टली आपने स्क्रीन पे टच किया है वो सेंस कर लेगा, ठीक है, और आप जो कुछ भी स्क्रीन पे लिखोगे वो ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन पे दिखेगा, लाइट पेन। और आज की डेट में जो जनरली लाइट पेन जिसे वो लोग बोलते हैं, कुछ बंदे लोग वो जो लेजर लाइट आती है उसको भी आप लाइट पेन बोल सकते हो, वो प्रोजेक्टर में जो इस्तेमाल की जाती है, मतलब कि आप प्रोजेक्टर से प्रोजेक्ट स्क्रीन से तो कुछ दूर डिस्टेंस में होगा 15 फीट या फिर 20 फीट, पर आपको कोई भी एक सेंटेंस या फिर वर्ड
सभी को पॉइंट आउट करना है कि भाई ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो आप उस लाइट से उसे पॉइंट आउट कर सकते हो। तो लाइट पेन वॉज ओरिजिनली डेवलप अराउंड 1955 एंड 1960, दे बिकम मोर कॉमन इन अ ग्राफिक्स टर्मिनल 1980। और बीच में ये ऐड करना चाहूँगा, जो ये पेन का जो ट्रेंड है वो आज की डेट में कम्प्लीटली चेंज हो गया। आप जो फोटोशॉप वाले जो यूज़ करते हैं, इट्स समवॉट लाइक दैट ओनली, मतलब कि एक पेड होता है, पेड में जो कुछ भी आप ड्रॉ करते हो वो स्क्रीन पे आपको इमीडिएटली रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, लाइट पेन इज सिमिलर टू द पेन, टू द इट इज़ एन पॉइंटिंग डिवाइस विच इज़ यूज टू सिलेक्ट अ डिस्प्लेड मेनू आइटम और ड्रॉ अ पिक्चर ऑन द मॉनिटर। जैसे कि अभी मैंने कहा, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ फोटोसेल एंड ऑप्टिकल सिस्टम प्लेस्ड इन अ स्मॉल ट्यूब। जैसे कि ऑप्टिकल माउस को मैंने जब जैसे एग्जाम्पल दिया, व्हेन इट टिप इज मूव्ड ओवर द मॉनिटर एंड पेन बटन इज प्रेस, मतलब कि स्क्रीन पे जब उसे आप टच करते हो और पेन को जब आप मूव करते हो, तो उसका जो नीडल होता है ना वो प्रेस होता है, थोड़ा थोड़ा नीडल जब प्रेस होता है तो उसका जो सेंस होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और इट डिटेक्ट्स द स्क्रीन लोकेशन एंड सेंस द कोरस्पॉन्डिंग सिग्नल टू सीपीयू। ये वाली तो एक्चुअल में अलग पेन है, नॉट एग्जैक्टली फॉर द लैपटॉप एंड डेस्कटॉप, दूसरे हार्डवेयर में ये अटैच होती है, लेकिन दिखने में ऐसे ही होती है। ये वाली ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाली है, जनरली ये यूएसबी फिर से कनेक्शन अवेलेबल प्रोवाइड करता है, लेकिन यूएसबी कनेक्शन वाला जो केबल था वो मुझे एग्जैक्टली इमेज कहीं नहीं मिला। ये यूएसबी पिन नहीं है यहाँ पे जो दिख रही है ना, ठीक है, लेकिन दिखने में ऐसे ही होती है। द टर्म लाइट पेन में ऑल्सो रिफर टू द पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस यूटिलाइजिंग अ लाइट दैट इज कॉमनली यूज ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। जैसे कि अभी मैंने प्रोजेक्टर की मैंने बात की, मतलब कि कोई भी एक पावर पॉइंट स्लाइड आपकी प्रोजेक्टर में दिख रही है और आपको किसी सेंटेंस पे या फिर किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे सभी को फोकस दे रहा दिखाना है कि भाई मैं इस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। इट मे बी यूज टू डायरेक्ट व्यूअर्स अटेंशन टू अ स्पेसिफिक एरिया सच इज इन पिक्चर टेक्स्ट इन अ प्रेजेंटेशन, जैसे कि मैंने अभी अगेन रिपीट किया था ठीक वैसा ही। चलो नेक्स्ट में क्या आ रहा है, दैट इज एन POS। POS मतलब कि ये जो नीचे फिगर दिया है, आपने सभी मॉल्स में इसको तो देखा होगा, काफ़ी सारे ब्रांडेड कंपनीज के जो शोरूम होते वहाँ पे भी आपको दिखाई होगा, इसको बोलते हैं POS, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल। मतलब कि छोटा सा हार्डवेयर होता है जिसमें आपका डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड सिंपली आपको स्वाइप करना है। जैसे आप स्वाइप करोगे तो आप ऑटोमेटिकली इसकी जो कुछ भी रिस्पेक्टिव कार्ड की जो बैंक होगी वहाँ से कनेक्ट कर लेगा, पिन नंबर एंटर करना है और जो बंदा है मतलब कि जो शॉप ऑनर है या फिर मॉल वाला बंदा होता है उसमें ये अमाउंट एंटर करता है और वो अमाउंट आपकी बैंक अकाउंट में से डिडक्ट होके उस बंदे के अकाउंट में ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाता है। अब ये जो है सिंगल टाइम पेमेंट वाला हार्डवेयर नहीं है, मतलब कि कीबोर्ड एक बार खरीद लिया तो वो हमारा हो गया, माउस एक बार खरीद लिया तो वो हमारा हो गया। ये जनरली ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के हर कुछ टैक्स अलग से लगते हैं और मान लो कि आपका कुछ लिमिटेड ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, महीनों के आप समझ लो 10-20 ट्रांजेक्शन ही हो रहे हैं आपके, तो आप इसे रेंट बेस भी परचेस कर सकते हो। ऐसा भी कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होता है मार्केट में, परमानेंटली हार्डवेयर को परचेस करना है तो परमानेंट बेस पे भी इस हार्डवेयर को परचेस कर सकते हो, लेकिन ट्रांजेक्शन फ़ी आपको एवरी टाइम लगती है। मतलब कि ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो आप कम फी पे करोगे तो भी चलेगा, कम ट्रांजेक्शन होते तो उसके कुछ पॉइंट परसेंटेज ये ट्रांजेक्शन फ़ी ज़्यादा रहता है, डिपेंडिंग आप कौन सी कंपनी का खरीदते हो उस पर ये पूरा डिपेंडेंट होता है। चलो नेक्स्ट में आई थिंक दिस इज़ एन लास्ट वन, माइक्रोफोन। अब जनरली हम क्या माइक्रोफोन मतलब कि माइक, ज़्यादा कुछ हमें तो मालूम नहीं होता, लेकिन माइक्रोफोन के डिफरेंट टाइप्स आते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ओमनी डायरेक्शनल, यूनी डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल और क्रॉस टॉक। अब जो जनरली हम हमारी मोबाइल की जो हैंड्स फ्री होती है ठीक है, और हम जो नॉर्मल हेडफोन्स परचेस करते हैं 250-300 रुपए के, उसमें सब जो माइक्रोफोन्स आते हैं दैट इज़ एन ओमनी डायरेक्शनल, मतलब कि वो फोकस साउंड को नहीं फॉलो करते। मतलब कि हमारी हैंड्स फ्री ज़रूरी नहीं है कि हमारे जो माउथ एरिया हो उसके एग्जैक्ट सामने हो। हैंड्स फ्री तो हम ड्राइविंग टाइम कहीं भी रखते हैं ना, काम करते वक्त कहीं भी रखते हैं, कई बार तो हमारे शर्ट के या फिर टी शर्ट के अंदर भी होती है हैंड्स फ्री माइक का जो एरिया होता है, फिर भी वो हमारे जो साउंड को कैप्चर कर लेता है। क्यों कैप्चर करता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ अ माइक्रोफोन कैपेबल ऑफ पिकिंग अप साउंड इन ऑल डायरेक्शन अराउंड द माइक्रोफोन, मतलब कि कहीं से भी साउंड आ रहा है वो सभी डायरेक्शन का जो साउंड होता है वो कवर अप कर लेता है
दूर का जो साउंड होता है वो स्लो आवाज़ में, मतलब कि कम आवाज़ में सुनाई देता है, और जो बड़ा आवाज़ होता है सामने वालों को बट ऑब्वियसली ज़्यादा आवाज़ में सुनाई देता है। इट्स एन कॉमन सेंस, ठीक है। उसका एनालॉग सिग्नल जो स्ट्रेंथ होता है वो ज़्यादा होता है जब वो साउंड में, अगर वापस सामने वाले बंदे की मैं बात करूँ, वापस उसको जब साउंड सिग्नल में या फिर साउंड वेव्स में जब वो एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ से जो उस फॉर जितनी स्ट्रेंथ से वो इनपुट होगा उतनी स्ट्रेंथ से वहाँ पे वो आउटपुट होगा। और जो हम स्टूडियो वाले जो माउस होते हैं, मतलब कि हमने कई सारे सिंगर्स को देखा होगा टेलीविज़न में, वो स्टूडियो में वो जो उन लोगों का जो माइक्रोफोन होता है, डेट इज़ एन यूनी डायरेक्शनल। और ये स्पेशली जो सब यूट्यूबर्स होते हैं, बड़े यूट्यूबर्स, उसके सामने भी आपने कहीं एक माइक देखा होगा, स्क्रीन पे थोड़ा बहुत दिखता होगा, सामने छोटी सी नेट होती है, ठीक है। नेट जनरली क्यों होती है, जो हमारे ब्रीथिंग साउंड होता है उसे भी वो कट कर दे, इसलिए वो जनरली नेट आगे रखते हैं। और ये जो यूनिडायरेक्शनल है, मतलब के माइक्रोफोन का जो साइड का जो कुछ भी एरिया होगा कहीं से भी वो साउंड कैप्चर नहीं करेगा, आएगा तो माइक्रोफोन में सब साउंड, लेकिन वो सिग्नल की जो स्ट्रेंथ होती है उस मुताबिक वो सिग्नल को डिटेक्ट करके बाकी का वो इग्नोर कर देगा, और एग्जैक्टली माइक के सामने से जो आवाज़ उसे मिलेगी उसे ही वो कैप्चर करके बाकी आगे वो करेगा, ठीक है। ये जनरली इसलिए के यूज़ होती है बाई डायरेक्शनल। और जो जनरली इंटरव्यू में जो होते हैं, मतलब के एक होस्ट होता है और होस्टिंग पर्सन होता है, दोनों साइड की आवाज़ आमने सामने से रिकॉर्ड अगर करनी है तो उसमें जो यूज़ होता है डेट इज़ एन बाई डायरेक्शनल। और जो हमारे मुंह से काफ़ी नज़दीक जब हमें कोई भी अगर माइक्रोफोन अगर रखना पड़ता है, दैट इज़ एन क्रोस्टो, वो जो पोर्टेबल माइक आता है आपने कहीं देखा होगा, ठीक है। एक बेल्ट आता है, वो बेल्ट को आपको नेक में पहन के बैटरी ऑपरेटेड माइक आता है स्पीकर के साथ, मतलब कि वो स्पीकर के साथ एक केबल होता है और केबल के साथ एक माइक्रोफोन अटैच होता है, वो अगर आपने कहीं देखा होगा पोर्टेबल बैटरी स्पीकर आता है, बेल्ट पहन के आपको जब भी कुछ भी बोलना है तो वो माइक में जो बोलोगे इमीडिएटली वही आपके स्पीकर के, पोर्टेबल स्पीकर के बाहर आपको एज अ साउंड वो बूस्ट वॉल्यूम में सुनाई देता है। उसमें जो होता है माइक्रोफोन दैट इज़ ए क्रॉस टॉक, मतलब कि उसको हमारे मुंह से काफ़ी नज़दीक रखना पड़ता है, थोड़ा बहुत भी दूर रखोगे तो क्लियर आवाज़, मतलब कि जो उसकी जो आवाज़ होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो आई थिंक इतने इनपुट डिवाइसेस जो बेसिक थे वो हमने सब कवर कर लिए, ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो स्टार्ट करेंगे दैट विल बी द आउटपुट डिवाइस। काफ़ी सारे आउटपुट डिवाइस हैं, जैसे कि प्रिंटर है, आई थिंक स्कैनर बाकी है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पहले स्कैनर देख लेंगे। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस, हम सभी लोग उसे यूज़ करते हैं, देन वी विल बी शिफ्टिंग टू द वेरियस काइंड ऑफ द आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा प्रिंटर है, स्पीकर है, बाकी और भी है, तो वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ का वीडियो हम यहाँ पे ये आज कंप्लीट करते हैं, तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत